तो गाइस बैक हो गया आपका एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा खतरनाक भाई, क्योंकि आज हम करने वाले हैं गेम की अब तक की माइनक्राफ्ट की सबसे हार्डेस्ट एमएलजीज भाई, क्योंकि ये एमएलजीज बहुत ही ज्यादा खतरनाक। तुम देख सकते हो मेरे पीछे सारी की सारी एमएलजीज का सामान पड़ा हुआ है भाई। और अब फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं भाई कि सबसे पहले तुम्हें काम कर लो, तुम चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर लो, जो मेरे को बता तुम अभी तक कर चुके हो, क्योंकि हम 4.5 लाख सब्सक्राइबर की तरफ जा रहे हैं भाई। 4.5 लाख नहीं भाई, 3.5 लाख, ठीक है। My bad, कोई गाली नहीं देगा कमेंट्स में। और भाई चलो सीधा वीडियो के अंदर आ जाओ। तो गाइस हम आ चुके हैं टाइम में बहुत ज्यादा वापसी, जब फ्लीट भाई को वेब ट्रिक कर रहे थे, और देखते हैं इस ट्रिक में करना क्या होता है और मेरे को क्या क्या मुश्किल आने वाली है इस ट्रिक को करने के लिए। तो मिलने भाई मुश्किल ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि माइनक्राफ्ट काफी टाइम से खेल रहे हैं, फिर भी देखते हैं। चलो भाई मैं फिर से एक बार हाइट से करने वाला हूँ भाई, ठीक है। पता है वाटर बकेट एमएलजी के बाद में थोड़ी जान आ गई, ठीक है। ओके यहाँ से कूदना है, ठीक है ठीक है, यहाँ से कूदना और अच्छा और नीचे भी जाना है। अच्छा बेडरॉक तक जाना है, बेडरॉक तक जाके मेरे को बेडरॉक के लेवल पे मेरे को कॉब वेब लगाना है, ठीक है, ये करना है। लेकिन मेरे लिए मुश्किल ये होने वाला है गाइस, क्योंकि जो मेरा प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही ज्यादा ऊंचा है, लेकिन उस टाइम बेडरॉक भी थोड़ा सा, जो तुम्हें याद होगा कि जो पुराने वर्जन में बेडरॉक नीचे हुआ करता, मतलब काफी कम हाइट पे बेडरॉक आ जाया करता था, ठीक है। तो एक काम करते हैं, फटाफट से अपने वर्ल्ड में चलता हूँ, इस ट्रिक को करने की ट्राई करते हैं भाई। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने वर्ल्ड के अंदर कॉब वेब ट्रिक करने के लिए, देखते हैं कि मैं ट्रिक ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। याद रखना ये ट्रिक में से मेरे को एक चांस मिला, अगर नहीं कर पाया तो मैंने हक दिया भाई, मतलब ये ट्रिक। चलो अब चलते हैं भाई इसके नीचे सीधा। देखो मैं कूद तो चुका भाई, तुम देखो बहुत ऊंची जंप है, बहुत ज्यादा ऊंची जंप है, कर ली पहली बारी में, यस भाई। हमने भी फ्लीट भाई की तरह कॉब वेब ट्रिक कर लिया, और भाई अब चलते हैं सीधा अगली ट्रिक की तरफ भाई। लेकिन पता तुम्हें मैं तुम्हें एक मेन चीज बताता हूँ, रुको पहले यहाँ से निकलूं मैं फटाफट से, और तुम देख रहे हो कितनी नीचे आए भाई, लिटरली हम ये देख रहे हो भाई, ये मैं तुम्हें वाटर स्लाइड का लेवल दिखा रहा हूँ, ये देख रहे हो ये पूरी वाटर स्लाइड कितनी ऊंची है, ये चले जा रही है, देख रहे हो भाई, हम लिटरली स्काई स्क्रेपर लिमिट से भाई नीचे कूदे। स्काई स्क्रेपर मतलब वो वाली लिमिट नहीं जो तुम सोच रहे हो, बट स्काई स्क्रेपर लिमिट मेरा कहने का मतलब ये कि बहुत ही ज्यादा ऊंचे उससे हम कूदे, ये देख रहे हो। लेकिन हो गया, मेरे को लगा था भाई मैं कर नहीं पाऊंगा और हक दूंगा भाई। इसके लिए सब्सक्राइब तो बनता ना भाई, सब्सक्राइब कर दे प्लीज गाइस। 3.5 लाख सब्सक्राइबर की तो चल रहा यार, तुम करोगे सब्सक्राइब तो मजा आ जाएगा। और इंस्टाग्राम का भी लिंक है भाई, बढ़िया बढ़िया रील्स डालता हूँ, फॉलो कर लेना। और चलते भाई सीधा अपनी अगली ट्रिक की तरफ भाई। तो गाइस हम आ चुके हैं अपनी अगली ट्रिक की तरफ, जो कि बहुत ही खतरनाक सी ट्रिक है, जो मैंने अभी कल ही करी है, लेकिन हम देखते हैं इसको ट्रिक करने का सही तरीका क्या है। देखो ये है लैडर ट्रिक भाई, कूदते और फट से लैडर लगा देते हो, ठीक है, बच जाते हो, ठीक है। वो मैंने ड्रीम को करते हुए बहुत बार देखा है, बट मैंने आज तक ट्राई नहीं करा। तो लेट्स गो 1 2 3 और अच्छा यहाँ से कूदना है और बिल्कुल नीचे वाले लेवल पे लैडर लगा के बचना है, ठीक है भाई। हमको देखो मेन चीज क्या है कि जब कूदेंगे तो हमारी एचपी जानी नहीं चाहिए, ठीक है। जो मैंने जब देव को हराया था पीवीपी के अंदर, तुमने देखा कि उसमें जो अपनी वो है क्या बोलते हैं उसको, जो मेरी लैडर लगी थी वो काफी ऊपर लगी थी, मेरे को फॉल डैमेज पड़ा था, मेरे को आज वो नहीं करना है। लेकिन बाय द वे जिसने वीडियो दी वो मतलब देख लेना वो भी, ठीक है। चलो सीधा गेम के अंदर चलते हैं ये ट्रिक को पूरा करने के लिए। तो गाइस ट्रिक तो करने में आ चुका हूं, लेकिन मेरे को लगता है कि मैं कर लूंगा आराम से, ऐसी कोई दिक्कत होगी नहीं। पोल से काफी उधर हो जाओ और लगा दो, हो गई भाई, हो गई गाइस, आपने ट्रिक पूरी कर दी है अपनी। ये थी हमारी बढ़िया सी लैडर वाला क्लच, और भाई तुमने देखा कि फ्लीट भाई और मैंने भाई आराम से कर लिया, फ्लीट भाई तो कर ही लेंगे लेकिन मेरे से भी होगी भाई आराम से। और चलते हैं अपनी बढ़िया सी अगली ट्रिक की तरफ भाई। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। तो गाइस चलते हैं अपनी अगली ट्रिक की तरफ, जो कि है स्लाइम ब्लॉक ट्रिक। और भाई तुम लोगों को पता होगा, अरे भैया नीचे था भीड़ लग गई भैया, ओ भाई कितने क्रीपर है नीचे, अरे भाई इतने क्रीपर यार फिर मरूंगा मैं, अरे यार गाइस। तो देखो अब यही हमारा आखिरी वो है रास्ता है, हम लोगों को एकदम से नीचे जाके फट से स्लाइम लगाना पड़ेगा, जिससे हम लोग जिंदा बच जाएंगे। और उसके बाद रुको मैं एक काम करता हूं, थोड़े से ब्लॉक रख लेता हूं, जिससे हम ब्लॉक नीचे लगा के जिंदा बचेंगे, ठीक है। लेट्स गो 1 2 3 वो प्लीज, ओके ओके ओके, प्लीज गो के लिए। तो यहाँ पे पहला स्लाइम ब्लॉक लगा, जो आराम से कर लिया यार, अरे और ऊपर, ठीक है, स्लाइम ब्लॉक लगा के उसके ऊपर एक और ब्लॉक से कूदना है, ठीक है। सारे के सारे तुम्हारा भाई प्रो है यार, क्या है, ओ ज़ॉम्बी विलेजर भी आया है। ओके समझ गया मैं ट्रिक क्या करनी है भाई। सबसे पहले हमको नीचे कूदना है, वहां पे स्लाइम ब्लॉक लगाना है, उससे सीधा कूद के वापसी ऊपर आके पोल पे ही एक और ब्लॉक लगा देना भाई। मुश्किल है भाई ये, बहुत मुश्किल है। चलो ट्राई करते अपने वर्ल्ड में। ओके तो कूदने का टाइम आ चुका, मैं कूद गया और ये शिट, हो गई भाई, एक बारी में ही कर ली। तुम्हारा भाई प्रो है यार, प्रो भाई। ये तो बहुत इजी ट्रिक थी, मेरे लिए कुछ बढ़िया सी ट्रिक चाहिए भाई, अब खतरनाक सी ट्रिक जिससे मेरी छाती का
गाइस अपने ट्रिक कर ली बढ़िया करके और चलते हैं भाई अपनी अगली खतरनाक सीएमएलजी की तरफ। भाई ये चैलेंज बहुत ज्यादा डेंजरस होता जा रहा है भाई, और भाई अगली ट्रिक है सबसे ज्यादा खतरनाक जो आज तक मैं नहीं कर पाया। अब देखते कि मैं कर पाता नहीं कर पाता, उसके लिए हमको जाना पड़ेगा नेदर। तो चलते सीधा नेदर में। भाई नेदर जाने के लिए सबसे पहले हमको लगाना पड़ेगा यहाँ पे ऑब्सीडियन का फ्रेम, जिससे हम नेदर में जाएंगे और धमाल मचाएंगे। रुको, नेदर ऐसी बनता था ना भाई, नेदर बनाने में हमेशा हक देता हूँ भाई मैं, नेदर का फ्रेम होता ना। अच्छा, उसके डायमेंशंस तो मैं हमेशा रखता हूँ, शायद मैंने अभी भी रख दिए नहीं। अब तो सही बनाया। अब मैं जी अपनी फेवरेट चीज़ जो कि फ्लिंट एंड स्टील टीएनटी के बाद, ठीक है, और इसको जलाते हैं बढ़िया करके और सीधा घुस जाते हैं नेदर के अंदर। ओके गाइस, तो हम आ चुके हैं नेदर के अंदर। भाई तुम देख सकते हो चेस्ट है जिसके अंदर बोर्ड्स बड़ी हुई है। तुम बोलोगे बोर्ड्स किस लिए? यस गाइस, यू आर राइट, दिस इज बोर्ड क्लच। तो हमको एक के बाद एक बोर्ड्स लगा के कूद कूद के लावा के ऊपर ही क्लच पूरा करना। और तुम्हें पता है जैसे ही बोर्ड जो है मेरी इसके अंदर रखूंगा बोर्ड जल जाएगी, तो मेरे को पूरी टाइमिंग के साथ करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 जितनी बोर्ड्स भी लगेंगी सब करनी पड़ेंगी। तो भाई ये क्लच होने वाला बहुत ज्यादा खतरनाक। तुम वीडियो को लाइक कर दो और भाई चलते थे क्लच की तरफ। भाई आओ जल्दी इसको करते हैं। तो भाई चलो चलो, हो गया भाई। सुनो, मैं ओवरएक्ट नहीं कर रहा बट आई एम प्रो, ओवरएक्ट नहीं करता, बहुत हम्बल आदमी भाई मैं। भाई बोर्ड क्लच तो हमने कर लिया, अभी मैंने नॉर्मल सा बोर्ड क्लच किया कि सिर्फ दो बोर्ड्स लगाई। अगली बारी अगर इस वीडियो में बढ़िया रिस्पांस आया ना भाई, तो पूरी लाइन लगा देगा तुम्हारी बोर्ड क्लच की भाई। लेकिन कर दिया तुम्हारे भाई ने। देखो एक बारी में अभी तक 3 MLG था, 4 MLG जितने भी करिए मेरे को याद नहीं भाई, अब मैं जितने भी करिए, लेकिन बाकी एक बार भी करो। जैसे ही ये मैंने एक बारी वाली चीज़ हक दी ना, ये वीडियो वही खत्म हो जाएगी। और भाई मैं बता रहा हूँ खतरनाक है भाई, ये खतरनाक सीन है भाई MLG वाला। गाइस अगली MLG होने वाली है हमारी एंडर पर्ल MLG। देखो इसको तो मैं आंख बंद करके भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हें दिखाऊँ आंख बंद करके कैसे करते हैं। अरे मैं गिर गया, शीट। अब मैं इस पे मार दूंगा और मैं बच जाऊंगा। अब तुम बोलोगे इसमें मुश्किल क्या है? अब मैं ऐसे भी आंखें बंद करके यो, यो, यो। अरे मैं तो बच गया गाइस, मैं तो बच गया भाई। ये MLG बहुत ही ज्यादा इजी है भाई मेरे लिए, तो देखो कोई मुश्किल वाली चीज नहीं है। फटाफट से ऊपर चलते हैं और मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्यों इसको MLG को मैं मुश्किल बनाऊंगा। मतलब ये वाली MLG नहीं। अब देखो, अब तुम्हें एक MLG का नाम सुना होगा जो कि है हॉर्स वाली MLG, ठीक है, जिसके अंदर एक बहुत ही ऊंचे पोल से हम कूदते हैं और सीधा हॉर्स पे जाके हम जंप करते हैं। तो सबसे पहले काम करते हैं, अपन जाते हैं क्रिएटिव के अंदर। रुको, ऐसे नहीं, ऐसे जाएंगे क्रिएटिव के अंदर। देखो अपनी MLG का सामान इसको सबसे तोड़ दो, नहीं करना, हमें चाहिए एक हॉर्स का स्पॉन एग भाई, हॉर्स का स्पॉन एग का हॉर्स स्पॉन एग ये ना। अभी मैं ज़ॉम्बीफाइड हॉर्स ना करता ना, ये देखो ये अपना हॉर्स का स्पॉन एग आ गया। हमको चाहिए सैडल, सैडल लेते हैं भाई पे, ऐसे तो लगेगा ही नहीं ना, पहले मेरे को सर्वाइवल के अंदर जाना पड़ेगा, थोड़ा दोस्त बनाना पड़ेगा। अरे नीचे मत ले जी, अरे बन गया भाई मेरा दोस्त। चलो भाई इसके ऊपर लगाते हैं बढ़िया करके अपना सैडल। इस पे आर्मर भी लगा दूं क्या भाई? क्रिएटिव में भाई मैंने डायमंड आर्मर भी लगा सकता हूँ भाई, रुक जाओ कर दो इसकी जरूरत। अरे बेटे क्या लग रहे हो। लेकिन एक काम कर दो ना भाई, रुको तुम इधर आओ और तुम्हें मैं इसके अंदर करता हूँ बंद, ताकि तुम जा ना पाओ और मेरी MLG खराब ना कर पाओ, समझ लो ना। बात तो सही है। तो यहाँ पे लेते हैं ब्लॉक्स, क्योंकि हमको वहाँ से कूदना भाई। इसके अंदर ये पूरा आ जाएगा, मर तो नहीं जाएगा इसका फोक है ये। इसके अंदर लेते हैं यहाँ पे और चलो ये हो गया बंद। भाई ये अजीब सा लग रहा है ना, ये ख़राब लग रहा है भाई। अब चलते हैं ऊपर भाई सबसे पहले। अरे ये भी लगी हुई है, इसको भी तोड़ो भाई। इसको सबसे पहले ऊपर जाके अगर मैंने सीधा घोड़े के ऊपर कूद के राइट क्लिक कर दिया और मैं घोड़े के ऊपर बैठ गया, तो अपनी हॉर्स MLG हो जाएगी सक्सेसफुल। और भाई एक सेकंड रुको, इसके ऊपर चलते हैं और भाई सीधे इसको अटेम्प्ट करने की वो करते हैं। अरे यार रुको, मेरे को पहले सर्वाइवल में जाना पड़ेगा। तो मैं क्या सोच रहा था गाइस, ये बहुत आसान हो जाएगा कि यहाँ से हम कूदें ये करें, तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, समझ रहे हो। यहाँ से कूदूंगा ना तो देख रहे हो मेरे चांसेस बढ़ जाएंगे कि मैं साइड की जो रेलिंग्स है उस पर जाके गिरूँ, ठीक है। बेड के ऊपर खड़े होंगे बढ़िया करके और कूद जाएंगे भाई, तुम देख रहे हो। 10,000 लाइक्स और इसका पार्ट 2। आसान भाई, मेरे लिए क्या मुश्किल है, मेरे लिए सब आसान है भाई। ये 5वीं MLG है, 4थी MLG है, जो कि मैंने पहली ट्राई में निपटा दिया। ओए घोड़े यहाँ से निकल और गिर जा भाई, शिट। तो गाइस तुम अगर वीडियो के इस पार्ट तक पहुंचे तो यहाँ पे तो मैं बोलूंगा सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई, प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलो भाई मैं तुम्हारा ज्यादा ध्यान नहीं डाइवर्ट करूंगा, सीधा वीडियो के अंदर। तो गाइस हम आ चुके अपनी अगली ट्रिक की तरफ जो कि है बोट वाली, और देखते हैं फ्लिट भाई ने इसे कैसे किया। कैसे बोट रखते हैं फिर उसको चलाते हैं, फिर उसको छोड़ते हैं, फिर बैठते हैं, ठीक है, और एक और है अच्छा, पहले दूसरी बोट में जाना है, फिर दूसरी बोट में स्विच करना है।
ये तो भाई मैं कर लूंगा, ये तो मेरे को अपने कॉन्फिडेंस है कि मैं एक बारी में कर लूंगा। चलो भाई अपने वर्ल्ड के अंदर चलते हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने वर्ल्ड के अंदर। भाई सबसे पहले करना क्या, देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे बोर्ड प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि मेन काम है। उसके बाद हमें चलना है ऊपर, और वहां से ऊपर एक बोट रख के उसके साथ बैठ के हवा में वो बोट चेंज करके वो नीचे वाली बोट पे हमको बैठना है। भाई तुम देख लो कितनी मुश्किल है, लेकिन मेरे को अपने ऊपर भरोसा कि भाई मैं कर लूंगा। तो भाई फटाफट से काम करते हैं। पहले तो इस पोर्टल, अब ये पोर्टल भी तो फेंकना नहीं, अभी नहीं फेंकना। बोट तो अपने हाथ में है, लेकिन मेरे को देख रहे तुम नीचे वाली बोट बिल्कुल नहीं दिख रही। भाई तो कैसे करूँ इसको, कूद जाऊँ क्या, ऐसे कूद जाऊँ क्या? नहीं यार, बोट लगा के कूदते, इतने भी ज़्यादा प्रो नहीं बनते ना कि दिक्कत हो जाए बाद में। इसको लिया ऐसे, शिट मेरी एचपी गई। अब कूद जाते हैं और क्लिक। भाई ये भी हमने एक ट्राई में पूरी कर दी। यार मैं सोच रहा ऐसे कोई एमएलजी नहीं बनी भाई जो मैं ना कर पाऊँ। एटीट्यूड आ गया मेरे अंदर, घमंड है मेरे को, घमंड नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे कोई ना कोई एमएलजी जरूर है जो मेरे को पेल देगी, मेरे को पता है ये बात। मतलब ऐसी कोई भी एमएलजी पेल सकती है मेरे को, जब तक तुम्हारा माइंडसेट वैसा है कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम सही में नहीं कर पाओगे। चलते अपनी अगली एमएलजी की तरफ भाई। तो वैसे तुम बोलोगे तुम क्या कर रहे हो, तो मैं बोलूंगा कि मैं कूद रहा हूँ। मैं क्यों कूद रहा हूँ मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं यहाँ पे एमएलजी करने आया हूँ, मुझे पता है वैसे, सही बात बता दो। लेकिन यहाँ पे सैंड क्या कर रही है, एक सेकंड रुको, ये सैंड की भी ऐसी की तैसी बाहर हो। तो हम जैसे तुम देख सकते हो वापस आ चुके ऊपर, और एक सेकंड अब हमको पूरी बिल्ड लिमिट को क्रॉस करना है, समझ लो। मतलब बिल्ड लिमिट जितनी हो सकती है हमें करनी है। तो एक काम करते हैं, फटाफट से इसको बिल्ड करना चालू करते हैं, और भाई देखते हैं कितनी हमारी बिल्ड लिमिट है भाई, जहाँ पर मैक्सिमम हाइट अचीव करते हैं और वहाँ से कूदते हैं भाई पानी की बाल्टी लेके, समझ लो कितना मजा आएगा ना। चलो भाई बहुत एंगल देख लिया, कूद जाओ। क्या ये हो पा रही है, यहाँ ये हो पा रही है भाई, ये बहुत ज़्यादा ईजी है मेरे लिए भाई। कुछ नया लेके आओ ना भाई, कुछ नया चाहिए, कुछ नया दिखाता हूँ। आओ एक और एमएलजी करते हैं। तो गाइस ये एमएलजी मैंने खुद डिज़ाइन करी है अभी, मतलब एमएलजी नहीं है, थोड़ा सा स्कीम है कि जो मेरे पास देखो तुम कितने सारे हनी ब्लॉक पड़े हैं, तो हनी ब्लॉक कर लगाना है सबसे ज़्यादा नीचे पॉइंट पे जाके, लगाना है। पर जब मैं टप्पा खा के वापसी ऊपर आऊँगा बॉल की तरह, तो मेरे को नीचे कूदते हुए ट्विस्टेड वाइन लगानी, जो कि बहुत ही पिद्दी सी है, मज़ा आ जाएगा। देखो क्या ये होगा मेरे से, ये होगा भाई, हर बार होगा, हर बार जब भी मैं चाहूँ। हैं ये क्या किया मैंने, कोई बात नहीं। अब हम यहाँ पे आ गए, तो हम यहाँ पे भी कूद जाएंगे और ये हम कर देंगे। तो क्या ये मुश्किल था, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं था, क्योंकि गाइस इसके पीछे की मैं तुम्हें साइंस बता दूँ क्या। अगर तुम ऊपर से इतनी ऊपर से कूद रहे हो और तुम यहाँ पे अपना ब्लॉक लगा रहे, अभी मैंने यहाँ पे ब्लॉक लगाया है, अगर तुम यहाँ ब्लॉक लगा रहे हो और इतना जो डिस्टेंस देख रहे हो, ये देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जो इतना डिस्टेंस से कवर करेगा इतने में कोई भी आदमी मर जाएगा। तो पॉइंट ये है कि तुम्हें पहले ऊपर ब्लॉक लगाना है, अगर तुम्हारे ऊपर ब्लॉक नहीं है तो ये एमएलजी ट्राई मत करना, तुम मर जाओगे भाई। वो तो चलो तुम्हारे भाई में गलती से दिमाग लगा लिया, वरना मैं अभी मर जाता और भाई पूरा का पूरा मेरा चैलेंज फेल हो जाता। मैं मरा नहीं, बिल्कुल नहीं मरा। और तू फिर आ गया यहाँ पे, चल कोई बात नहीं, चिल कर ले तू भी मेरे साथ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम लगाओगे और इतना जो पूरा इतना डिस्टेंस होता, कम से कम इतना डिस्टेंस था, अगर मैं बिल्कुल नीचे लगा जाऊंगा ना, तो मैं मर जाऊंगा भाई, साफ सीधी बात है, एमएलजी फेल हो जाएगी। क्योंकि मेरे को नहीं लगता भाई हनी ब्लॉक में इतनी पावर है, क्योंकि स्लाइम ब्लॉक थोड़ी है यार, हनी ब्लॉक में इतनी पावर है कि इतनी ज़्यादा जो ऊपर से आ रहा है उसको रोक ले, मतलब उसका डैमेज जीरो कर दे वाटर की तरह, तो ये तो शायद नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म है तो तुम ये वाला ब्लॉक लगा सकते हो, रुक सकते हो, और उसके बाद तुम नीचे किसी और चीज़ से एमएलजी कर सकते हो। तो मैं कहूँगा सीधा वाटर बकेट ही कर दो, लेकिन तुम्हें कूल दिखना है तो तुम ये वाली एमएलजी ट्राई कर सकते हो। ओके, तो गाइस ये थी आज की वीडियो, होप तुम्हें मजा आ, अगर तुम्हें मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, अपने अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में डालना बिल्कुल भी मत भूलना। हम मिलेंगे तुमसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो भाई तब तक के लिए बाय।